हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। यक्रिश रोहन का बेटा नहीं है। कैसे हुई सुपरमैन की शुरुआत? किस यात्रा पर जाएगी क्रिश 4? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। भाई जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहनकर फूल खिला है। अरे नहीं, हम आपको यहाँ मोगली की कहानी नहीं बल्कि सुपरमैन की कहानी बताने जा रहे हैं। सुपरमैन आज दुनिया भर के बच्चों में फेवरेट कार्टून कैरेक्टर और सुपर हीरोज में से एक है। ये अपने आप में अनोखा सुपर हीरो है जो अपने ड्रेस के बारे में लाल रंग की चड्डी बाहर पहन के घूमता है। यही नहीं, सुपरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके कंधे पर एक बड़ा सा लाल कपड़ा भी लहराता रहता है। सुपरमैन की शुरुआत कॉमिक्स बुक में हुई थी और फिर वो टीवी, रेडियो, नॉवेल्स, थिएटर और फिल्मों तक में हर जगह दिखा। ऐसे ही एक सुपरमैन की शुरुआत बॉलीवुड में भी हुई, कोई मिल गया से, जो बाद में क्रिश बना। लेकिन सुपरमैन आए कहाँ से? तो बता दें कि सुपरमैन एक फिक्शनल सुपर हीरो है, तो जाहिर है ये किसी के दिमाग की उपज है। सुपरमैन का जन्म अमेरिका में डीसी कॉमिक्स की एक कॉमिक बुक में हुआ था। उस समय अमेरिका के बच्चों में कॉमिक्स पढ़ने के लिए क्रेज था। डीसी कॉमिक्स के लिए सुपरमैन की कहानी लिखने का काम जेरी सीगल ने संभाला और इस सुपर हीरो को आर्टिस्ट जॉस शस्टर ने डिजाइन किया। वैसे तो सुपरमैन एक काल्पनिक पात्र है, लेकिन काल्पनिक पात्र की भी तो एक यात्रा होती ही है। काल्पनिक कैरेक्टर सुपरमैन का जन्म एक काल्पनिक ग्रह क्रिप्टॉन पर हुआ और उसका नाम कालेल रखा गया था। जब प्राकृतिक प्रलय आने की वजह से क्रिप्टॉन ग्रह नष्ट होने वाला था, तो कालेल की माता पिता ने उसे एक छोटे से अंतरिक्ष यान की मदद से पृथ्वी पर भेज दिया। कालेल का अंतरिक्ष यान अमेरिका के एक काल्पनिक शहर स्मॉल विले के प्रास ग्रामीण इलाके में उतरा। इस बच्चे को वहां के किसान दंपति जोनाथन और मार्था केंट ने गोद ले लिया और उसका नाम क्लार्क केंट रखा। जैसे जैसे समय बीता, क्लार्क के अंदर सुपर हीरो वाली कई क्षमताएं विकसित होने लगी। उसमें अविश्वसनीय ताकत आ जाती है और उसकी त्वचा अभेद होने लग जाती है। पृथ्वी पर उसको पालने पोषने वाले माता पिता उसे सलाह देते हैं कि वो अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए करें। इस तरह से क्लार्क अपराध से लड़ने का फैसला लेता है। अपनी व्यक्तिगत जिंदगी अपराधियों से अलग रखने के लिए वो अपराधियों से लड़ने के दौरान एक अजीब सी नीली पोशाक पहनता है, जिसमें वो लाल रंग की चड्डी बाहर से पहनता है। अपराधियों से लड़ने के लिए सुपरमैन नाम का इस्तेमाल करता है। हालांकि वो सिर्फ अपराध के खिलाफ लड़ने के दौरान ही सुपरमैन होता है और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में क्लार्क केंट ही रहता है। क्लार्क अमेरिका के एक काल्पनिक शहर मेट्रोपोलिस में रहता है, जहां वो डेली प्लैनेट के एक पत्रकार के तौर पर काम करता है। सुपरमैन डेली प्लैनेट में पत्रकार लुइस लेन से प्यार करता है। फोटोग्राफर जिमी ऑल्सन और एडिटर इन चीफ पेरी वाइट उसके करीबी दोस्त होते हैं, जबकि दुश्मनों की सुपरमैन को कोई कमी नहीं है। ऐसी ही शानदार स्टोरी लाइन के साथ सुपरमैन 1930 के दशक से 1980 के दशक तक अमेरिका के कॉमिक बुक इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाला सुपर हीरो रहा। अब जब आप फिक्शनल क्लार्क की कहानी सुन रहे हैं, तो आपको कुछ कुछ क्रिश की पूरी यात्रा याद आ रही है। क्रिश बॉलीवुड सुपर हीरो फिल्म फ्रेंचाइजी है, जिसमें अभिनेता ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, नसीरुद्दीन शाह और रेखा जैसे कलाकार हैं। क्रिश बॉलीवुड साईफाई फिल्म कोई मिल गया की सीक्वल है। ये फिल्म एक नकाबपोश सुपर हीरो पर आधारित है, जो यात्रा के दौरान अपने जीवन के बारे में सच्चाई का पता लगाता है, साथ ही कि कैसे रोहन एक मेंटल चैलेंज लड़का था, फिर उसकी लाइफ में एक एलियन आया और उसको शक्ति मिली और रोहन ताकतवर हो गया, जिसके बेटे क्रिश ने शक्तियों के साथ ही जन्म लिया। तो क्रिश की कहानी को सुपरमैन की कहानी की तरह धीरे धीरे आगे लेकर जाया जा रहा है। अब क्रिश 4 बनने जा रही है, तो इसमें क्रिश की बचपन की लाइफ पर प्रकाश डाला जाएगा, जिसमें पता चलेगा कि कैसे क्रिश को शक्तियां मिली और क्रिश को ये भी पता चलेगा कि वो रोहन का बेटा नहीं है, उसे जादू ने अपनी शक्तियों से बनाया था। क्योंकि रोहन की माँ के पास कोई नहीं था, इसलिए जादू ने अपनी दोस्ती को निभाते हुए अपने एक अंश से क्रिश को बनाया। और जो क्रिश की माँ को दो बच्चे हुए थे, फिल्म में उसका भी पता चलेगा कि वो बाद में कहाँ गए और उसकी माँ कैसे मरी। क्रिश 4 से सुपरमैन की यात्रा थोड़ी और आगे बढ़ने वाली है,
बता दें कि राकेश रोशन क्रिश 4 पर पूरी तरह से लग गए हैं और इस बार उन्होंने ऋतिक रोशन के सामने एक बड़ी चुनौती भी रखी है। राकेश रोशन ने बताया है कि क्रिश सीरीज की एक और नई फिल्म लिखना आसान नहीं है क्योंकि ये बहुत ही सफल फिल्म सीरीज है। इसमें अच्छा खासा वक्त लगेगा लेकिन मेरी पूरी टीम इस पर काम कर रही है। इसके अलावा राकेश ने फिल्म के बारे में कुछ भी नहीं बताया है लेकिन रोहित मेहरा, जादू, काया और टाइम मशीन की वापसी फिल्म में पक्की है। टाइम मशीन का रोल काफी अहम रहा है और क्योंकि इस टाइम मशीन से ही क्रिश गलती से अपने पास्ट में चला जाएगा जिससे उसे पता चलेगा कि वो रोहन का बेटा है ही नहीं और उसकी माँ ने जिन बच्चों को जन्म दिया था वो अभी काल के पास हैं, जिनके खून का इस्तेमाल करके ही काल अलग अलग ना खत्म होने वाले जीव जंतु बना रहा है जिन्हें ना तो कोई खत्म कर सकता है और ना ही कोई छू सकता है। इस यात्रा को देखने को आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो।